हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विदेशी आई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बात की जाएगी आज छात्रवृत्ति के संबंध में। आप सभी लगातार प्रश्न और कमेंट कर रहे हैं कि सर, छात्रवृत्ति के फॉर्म की जो लास्ट डेट आप सभी ने बताई थी 10 तारीख, आप सभी को पता है कि 10 तारीख लास्ट डेट है 10/12/2022। लेकिन आप सभी में से ऐसे तमाम छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक द्वितीय वर्ष में या फिर अपने तृतीय वर्ष में यानी करंट सेशन में जो है प्रवेश नहीं लिया है किसी कारणों से, हो सकता है उनके रिजल्ट ना आए हों या फिर रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन आपने प्रवेश नहीं लिया, तो स्टूडेंट्स आप सभी अब किस प्रकार से अपनी छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे, क्या आप भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे, इस संबंध में तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पर ये जो पत्र जारी किया गया था दिनांक 2 दिसंबर 2022 का, उसके हिसाब से सेकंड फेज़ की स्कॉलरशिप का फॉर्म इस समय चल रहा है। आप सभी को पता है कि एक बार फिर से मौका दिया गया तमाम ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था, जिसके कारण से विश्वविद्यालय और तमाम ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी वजह से अभी प्रवेश नहीं हुआ था बच्चों का। तो एक अंतिम रूप से मौका देते हुए जितने भी बच्चे थे जिन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं आने के कारण या प्रवेश न लेने के कारण अपने जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ी थी, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर उन्हें एक अंतिम मौका देते हुए छात्रवृत्ति के फॉर्म की आवेदन की जो डेट थी वो 10 दिसंबर तक बढ़ा दी थी, यानी 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो है आप सभी की छात्रवृत्ति की जो डेट थी वो यहाँ पर बढ़ गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी अब लगातार ये प्रश्न कर रहे हैं कि सर, अगर 10 दिसंबर तक भी हम सभी के रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, अगर आपके रिजल्ट नहीं आते हैं लेकिन यदि आपकी कॉलेज के द्वारा आपका प्रवेश कर लिया गया और आपको रसीद प्राप्त हो गई है, तो आप सभी अपने छात्रवृत्ति के फॉर्म को 10 दिसंबर तक वेट करने तक आप सभी जो है अंततः आपको 10 दिसंबर तक वेट कर लेना है और अंतिम तिथि से पूर्व या अंतिम तिथि तक आप सभी को आप छात्रवृत्ति के आवेदन के फॉर्म को अपना अप्लाई कर देना है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके। आगे चलकर जब जनवरी में संशोधन होगा, मैंने आपको इस संबंध में भी वीडियो बना के बताया हुआ है कि संशोधन कितनी तारीख से होगा। आप सभी को पता है जनवरी में संशोधन की डेट विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर बताई गई है और जो जनवरी में संशोधन की डेट बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी लोग आगे चलकर फिर से पोर्टल पर जाकर अपने संशोधन को कर देंगे, तब तक आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद आप सभी का जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फाइनली जो है करेक्ट हो जाएगा और वो सबमिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके मन में अभी इस संबंध में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो भी आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर देना है। लेकिन यदि आपके कॉलेज के द्वारा प्रवेश ही नहीं लिया गया आपका, तो ऐसी स्थिति में आप छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप इस सत्र में फिर अब छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि सरकार द्वारा फिर से डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो आगे चलकर आप सभी को छात्रवृत्ति का आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि सरकार द्वारा उसकी जो डेट है ये बढ़ा दी जाएगी तो आप सभी को फिर आवेदन करने का मौका मिलेगा, और अगर डेट बढ़ाई जाएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बायो विदेशी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो सिर्फ पल पल की अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही फिर से कहीं से कोई भी नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले बायो विदेशी चैनल पर बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।